रवनीत बिट्टू और परिवार के लोगों से बात करते हैं, आप कौन है? मैं रवनीत बिट्टू। कैसा लगा आज आप लोग यहाँ जुट गए? उन्होंने बताया कि सारे लोग जुट गए थे, तो इस तरह की उम्मीद थी कि ये ऑफर आएगा, लुधियाना से हार गए थे, आप लोग को उम्मीद थी? देखिए जी, विश्वास था, बिल्कुल विश्वास था, मोदी जी पे विश्वास था, अमित शाह जी पे विश्वास था, और आज वो विश्वास खरा उतरा है। जी, आप माता जी हैं रवनीत जी की माँ। मैम, आपको उम्मीद थी कि रवनीत जी लुधियाना से भले हार गए हो, लेकिन ये ऑफर आएगा जैसा रवनीत जी कह रहे हैं? नहीं, पहले मैंने हारना भी कभी नहीं सोचा था अपने बच्चे के लिए। मैंने 3 बार उसकी जीत देखी, मैंने हारना नहीं सकता, लेकिन मेरा बेटा हार के भी जीता है। हार के भी जीता, सारा लुधियाना ने जिताया है, सब पब्लिक हमारे साथ है। ये तो थोड़ी बहुत रूरल में प्रॉब्लम आ गई। पंजाब में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लगता है कि मोदी सरकार 5 साल पूरा करेगी? पूरा करेंगे, पंजाब में प्रॉब्लम नहीं है, ये पंजाब में परसेंटेज बढ़ी है। कैसे मंत्री साबित होंगे? मेरा बेटा बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि वो सरदार बेअंत सिंह जी जिन्होंने खून अपना सींचा है पंजाब, उसका पोता है। बिल्कुल, बेअंत सिंह के पोते कैसे मंत्री साबित होंगे, क्या लगता है? बहुत अच्छे, 100% अपना देंगे वो, और मुझे पूरा विश्वास है स्पेशली लुधियाने के लिए और पंजाब के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। क्या लगता है आपको, कैसे मंत्री साबित होंगे? घर में तो उन्हें आप लोग देखते हैं, कैसे साबित होंगे? बहुत बढ़िया जी, मैं तो अभी नहीं हूँ इस परिवार में, 5 साल ही हुए हैं शादी हुए, बट जब से उनसे मिली हूँ, इनके जैसा नेक इंसान बनना बहुत मुश्किल है, तो इनके जैसा मंत्री तो बहुत अच्छे मंत्री साबित होंगे। तो आपको लगता है कि जिस तरह से घर में इनका व्यवहार रहता है, उसी तरह का व्यवहार मंत्रालय में भी अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल, देखिए जी, बिट्टू जी ने हमेशा से ही कोशिश करी है सच का साथ देने की, घर पे भी और बाहर भी, हमेशा सच के साथ खड़े हैं, अच्छाई के साथ खड़े हैं, और आगे भी ऐसे खड़े। आतंकवाद को बहुत करीब से देखा है, पंजाब लगातार डिस्टर्ब रहता है, किसान का आंदोलन हो या फिर जो खालिस्तानी आंदोलन हो, तो लगता है कि इन सब चीज़ों को बीजेपी के लिए डील कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी के बस की बात नहीं रही, अब बीजेपी, अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उनका साथ हमें बहुत चाहिए, रवनीत बिट्टू जी को, जो लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ है पंजाब में, वो यही ठीक कर सकते हैं। बीजेपी का मैम, आप कितनी बड़ी खुशी है परिवार के लिए, आप उनकी पत्नी है, कैसे देखते हैं? देखो, खुशी तो बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब हमने पंजाब के दरवाजे मोदी जी के लिए खोल लिए, हमने अपनी डेवलपमेंट कर ली है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए कैसे मंत्री साबित होंगे, आप उनको सबसे करीब से जानती हैं, घर में भी देखती हैं, कैसे साबित होंगे? क्योंकि अपनी बात खुल के रखते हैं, मैं भी उनको 15 साल से देख रहा हूँ, लेकिन बहुत सॉफ्ट तरीके से रखते हैं, तो कैसे मंत्री साबित होंगे रवनीत जी? देखो, 10 साल से देख रहे थे बीजेपी, सारे देख रहे थे, उन्होंने ये देखा कि ये आदमी काम करने वाला है, पंजाब को अगर बदल सकता है तो ये आदमी में वो कैलिबर है, तो उन्होंने ये विश्वास जता के भेजा। हार जीत, जीते तो हम हरबन से थे, कोई नहीं, मंत्री बन गए हैं, अब हम पंजाब का देखना तो सही, आप 2-3 सालों में सरकार भी लेके आएंगे, नशा गैंगस्टर खत्म करके दिखाएंगे।